हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने जा रहे हैं 5 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट अंटार्कटिका पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं, देन क्लिक ऑन द आई बटन एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। पहले वीडियो में हमने अंटार्कटिका में दबे कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स देखे जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। आप ज़रा सोचिए, अंटार्कटिका जो दुनिया का एक बहुत ही विशाल हिस्सा है और हमारे एनवायरनमेंट का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, फिर भी हम इस विशालकाय महाद्वीप के बारे में बहुत कम ही जानते हैं। तो आज हम इस सेकंड पार्ट में भी अंटार्कटिका में दबे कुछ ऐसे रहस्यमय और अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे जिसके बारे में शायद बहुत कम ही लोग जानते हो। सो आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अंटार्कटिका में हर दिशा नॉर्थ पोल है। हो सकता है कि ये बात आपको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगे, पर ये बात पूरी तरह से सच है। यदि आप दक्षिणी ध्रुव पर खड़े हैं तो आप पृथ्वी के सबसे दक्षिणी बिंदु पर हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस दिशा को देखते हैं, हर दिशा आपके लिए नॉर्थ होगा। अंटार्कटिका में बहुत सारे वोल्केनोस पाए जाते हैं, जिसमें से 2 वोल्केनोस तो आज भी एक्टिव है, और माउंट एल्बस वोल्केनो अंटार्कटिका का सेकंड हाईएस्ट वोल्केनो है, जो आज भी सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोस में से एक माना जाता है। माउंट एल्बस की पहली चढ़ाई 1908 में की गई थी और ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक एडगेवार्थ डेविड के नेतृत्व में एक टीम अंटार्कटिका के सबसे एक्टिव वोल्केनो को खोज निकाला। में पूर्वी अंटार्कटिका के एक सुदूर हिस्से पर एक रहस्यमय घटना देखी गई। एक बड़े टेलर ग्लेशियर के बर्फ के भीतर एक गहरे लाल रंग के पानी को बहता हुआ देखा गया। कई सालों तक ये लाल रंग का स्रोत साइंटिस्ट के लिए एक रहस्य बना रहा, पर 2017 में साइंटिस्ट ने घोषणा की कि उन्होंने इस फिनोमिना का कारण खोज लिया है। इस फिनोमिना में ग्लेशियर के भीतर से बहने वाला पानी नमक और ऑक्सीडाइज्ड लोहे के एक झील से आता है, और जब यह पानी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो इंस्टेंटली लोहे में जंग लग जाता है और पानी का रंग लाल हो जाता है। जब ह्यूमंस ने पहली बार 1820 में अंटार्कटिका की पहली झलक देखी तो यह एक ह्यूमन पॉपुलेशन के बिना एकमात्र महाद्वीप था। कई देशों ने इस महाद्वीप पर जल्दी से दावा किया, जिसके कारण कई देशों के बीच तनाव का माहौल उमड़ने लगा। कई देशों का मानना था अंटार्कटिका महाद्वीप उनके टेरिटरी का हिस्सा है, और वहीं अन्य देश इस बात से सहमत नहीं थे। तनाव बढ़ने के कारण सभी कंट्रीज ने एक पीसफुल रेजोल्यूशन पर सहमति जताई, और दिसंबर 1959 को 12 कंट्रीज ने इस अंटार्कटिका संधि पर साइन किया और सहमति जताई। शांति और विज्ञान के लिए अंटार्कटिका महाद्वीप को एक आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया, और अब तक 41 अन्य देश भी इस संधि पर साइन कर चुके हैं। और आज अंटार्कटिका में किसी भी तरह की माइनिंग, सेलिंग और फिशिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, और आज अंटार्कटिका महाद्वीप की एक अपनी टेरिटरी है। हालांकि अंटार्कटिका में ज़्यादा वर्षा नहीं होती है, पर फिर भी मौसम विभाग की माने तो अंटार्कटिका में ज़्यादातर स्नोफॉल या स्नो डस्ट देखने को मिलता है, और यही स्नो डस्ट को डायमंड डस्ट भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ता है, ये स्नो डस्ट डायमंड की तरह दिखाई देते हैं। जब स्नो डस्ट के बादल बर्फीले कोहरे की तरह नजर आते हैं और इन पर सूरज की किरणें पड़ती है, तब ये स्नो डस्ट के बादल या फॉग किसी डायमंड की तरह दिखाई देते हैं। I hope you would like this video, so please like and subscribe to our channel.